मटन थाली विथ वेलकम ड्रिंक्स 425 रुपये, चिकन थाली विथ वेलकम ड्रिंक्स 330 रुपये, टोटल बिल हुआ था 755 रुपये, डिस्काउंट मार के 396। मूंग डाल है ना दादा, बहुत बढ़िया। मसाला वाला पोटेटो, हाँ, आलू दम, रोस्टेड आलू दम। तो आज यही तीन आइटम जो रिपीट होने वाला है, तीन आइटम रिपीट होगा। और चावल तो बैंगन भाजा, ठीक है, बैंगन ही नहीं है, ठीक है। चटनी जो है वो अनलिमिटेड भी है ना। और आज हमको सर्व कर रहे हैं कौन? सौरभ गायन। इन लोगों का जो वेलकम ड्रिंक्स है, जो जो एक गंदराज घोल, बहुत ही बेहतरीन होता है, मट्ठा हम लोग बोलते हैं, एक्सीलेंट। पासा दिखा दे फिर से, क्यों बालीगंज प्लेस में आए हैं? दरअसल ये 6 बालीगंज प्लेस तोपशिया न्यू एक आउटलेट है, और यहाँ पर लूची बहुत छोटा हो गया भाई, पहले तो बड़ा होता था। तो यहाँ पर जो है अभी चल रहा है 50% डिस्काउंट, तो वही हम चेक करने के लिए आए कि 50% डिस्काउंट में ये लोग कैसा खाना सर्व कर रहे हैं। अरे है, आ गया भाई, दिखा। सर चिकन, चिकन चलिए, हमने दो दो थाली लगवाई, एक है चिकन थाली, मटन थाली, नली का पीस मिला हमको, और मिठाइयाँ दे दो भाई। चलो बहुत बहुत पंतुआ, ठीक है। तो चलो भाई, बात है कुछ ऐसा, तो नया खुला है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, पूरा महीना चलेगा ये, तो मैं सोचे क्यों ना वीडियो बना ले। एक तो चीज़, सारा का सारा खाना देख के मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन लोची है छोटा, पहला बात मैं बोल दे रहा हूँ। भैया लूची, उसके साथ बैंगन भाजा, एक्सलेंट कम्बिनेशन, और सिर्फ और सिर्फ बंगाली क्विज़िन में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आलू दम है ना, ये नया आलू होता है, और इस दम में ना जो मसाला, इधर आप दिख रहे हो ग्रेवी, तो मसाला ये होता है रोस्टेड, मतलब डालने से पहले रोस्ट करके इसको पीसा जाता है, दिन इसको उस मसाला में पकाया जाता है, बहुत नरम। सर ये भी पास, 50% हो, लेकिन पास हो गया। दादा थोड़ा चावल दे देना, चावल। तो अभी लूची से ट्राई करेंगे थोड़ा सा चिकन, ग्रेवी यहाँ से लेते हैं। अच्छा है, धनिया डाला गया, कौशा मांसा हम लोग जैसे बोलते हैं ना, करी अच्छा गया है। और अभी मटन का करी हम टेस्ट करेंगे, ग्रेवी ले रहे हैं। ये भैया सही है, पहले जैसा मिलता था सेम है। ये भैया ले रहे हैं अपना चावल, जो कि अनलिमिटेड है, और भैया का थाली में भी देखिए लेग पीस भी रखा हुआ है, और मटन का नाली भी पीस रखा हुआ है। तो भैया हमें बंगाली बाबू, और हम अपने बंगाली स्टाइल में खाएंगे। ये है गंदराज नींबू, ठीक है, ये ले रहे हैं, और कच्चा मिर्चा ले रहे हैं, ठीक है। और विदाउट चावल तो सर खाना हजम नहीं होगा, पहले हम थोड़ा सा डाल लेंगे राइस, देखो थोड़ा पास आ, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, जो बिरयानी राइस हम लोग पहचानते हैं वो है, थोड़ा सा डाल लेंगे। आज थोड़ा वो सुख तो मिस कर रहे हैं, दाल में थोड़ा नींबू निचोड़ के फिर इसको खाते हैं, अब आएगा मज़ा। भैया ये होता है बंगाली खाना, ठीक है सर, साथ में बैंगन भाजी। खाना एकदम सिंपल है, कॉम्बिनेशन जो है था ना वही मैटर करता है, घर में जैसे खाते हैं सेम टू सेम। अभी ये फूल गोभी लेंगे, इस करी का नाम हम लोग बोलते हैं फूलगोभी रोशा, ठीक है, ये बहुत फेमस है विंटर सीजन में,
इसमें क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा मटर डाला जाएगा और आलू डाला जाएगा। तो फिलहाल आलू तो हमारे नज़र में नहीं आ रहा है, शायद इसमें आलू कम डाला गया। इसमें नमक कम हो गया। अभी आ रहा है मज़ा। सही है, परफेक्ट। अभी करेंगे चिकन ट्राई, चिकन के साथ चावल। और यहाँ पर ग्रेवी आपको मिलेगा, उसका कोई चिंता मत कीजिए। ये अपना चिकन का ग्रेवी, चावल इतना अच्छा क्वालिटी होना सर, खाना अपने आप ही स्वादिष्ट हो जाता है। और थोड़ा दे दो, फूल गोभी थोड़ा चाहिए सर, ठीक है। और हाँ, लूची और मटन का ग्रेवी और। चलो ठीक है, हम क्यों इतना ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और अब भी जब आओगे ना आपको भी इतना नमक ना थोड़ा कम है अपने हिसाब से ले लेना, यही बेहतर है। तो चिकन को, चलो चिकन का एक बाइट लेते हैं। और थोड़ा आलू दम। रवि भैया को आलू दम बहुत पसंद आ गया। तो चिकन का यदि बात करें, चिकन है भैया एकदम सिंपल, सोबर, डिसेंट टेस्ट। आपको यहाँ पर ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तीखा ऐसा नहीं लगेगा, सिंपल बनाया रखा है इन लोगों ने। ये भी एक क्यों बना कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग हर एज का ग्राहक इधर आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सिंपल होता है। सर हमको ना थोड़ा मटन का और ग्रेवी चाहिए, ठीक है सर। चलो चिकन का लास्ट बाइट लेकर करते हैं ख़त्म चिकन, देन अभी लेंगे मटन। ग्रेवी आ रहा है, लेकिन हम जो है आपको वेट नहीं करवाएंगे, थोड़ा नींबू डाल लेते हैं, उसका बाइट लेते हैं। नमक का थोड़ा इशू है इधर, अपने हिसाब से ले लो। मैं नहीं मिर्चा का, अभी अच्छा लग रहा है। बाहर खाते खाते ऐसे हो गया ना, तीखा मटन ना होना तो नहीं चलता है। तीखा आओ, ये अपना मटन का जनरली है, उसको करते हैं ट्राई। चलो सही है, सारा मिल गया। चलो ओवरऑल खाने की यदि बात करें, खाना है डिसेंट, एकदम ये नहीं बोलेंगे ना फारू लेवल का, मसालादार, स्पाइस से भरपूर, तेल ऑयल फारू लेवल का, ऐसा नहीं है सर, डिसेंट टेस्ट है। हाँ, सभी लोग इसको खा सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुरे आदमी तक यहाँ पर आओ खाना खा सकते हैं, डिसेंट है। अभी एंडिंग करेंगे चटनी के साथ, चटनी में भी थोड़ा हम देंगे इसमें नींबू का जूस, और ये टमाटर का चटनी है, अच्छा है, इसका एक बाइट लेते हैं, डिसेंट टेस्ट। चलिए आज का मेरा यही वीडियो था, क्यों करने के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ है, इसीलिए बस लूची का साइज थोड़ा छोटा हो गया। खाने का जो टेस्ट है डिसेंट है, इतना हाई फाई नहीं है, अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया, और ये माहौल जो है एम्बियंस बहुत ही बढ़िया। और नया जो ब्रांचेस खोल रहा है वो पित्तल का पूरा चीज में खाना कर रहे हैं सर, बस
वीडियो खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।